हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ओके, सभी अच्छे होंगे। आज क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बात करेंगे और चैप्टर वन हम पहले देख चुके हैं ना, चैप्टर टू के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि चैप्टर का नाम है आपका पॉलीनोमियल, जो कि नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा है, अब टेंथ क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड के तरीके से पढ़ेंगे कि बोर्ड में कैसे हमें इसका आंसर देना है, कैसे हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है और इसका मतलब क्या है फर्स्ट वो समझते हैं, आफ्टर दैट एक्सरसाइज पर चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर टू पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन तो वही हमारा कि पॉलीनोमियल है क्या चीज़। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल क्या है पढ़ते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वही एक पॉलीनोमियल है, लेकिन पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। फिर से समझो कि एक पॉलीनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। तो फिर कंडीशन क्या रही इनकी वो समझते हैं। मैंने लिखा है इसमें कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट विद फंडामेंटल ऑपरेशंस। इनके साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर वन, ये बच्चों बता दूँ आपको कि ये क्रॉस है, मतलब कि नहीं हो सकता का निशान है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो जो फ्रैक्शन है हमारी, क्या है फ्रैक्शन, आप देख पा रहे ना, ये देखिए ये आई है फ्रैक्शन, जो पावर में होगी वो नहीं होगी इसमें, अगर ये पॉलीनोमियल है तो। नेगेटिव पावर नहीं हो सकती बिल्कुल भी, और अंडर रूट जिसे ये बनाया मैंने स्क्वायर रूट, ये भी नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन मिलती है आपको, समझ लीजिए वो पॉलीनोमियल ही नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। बच्चों बता दो, अगर ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूँ आपको कि ग्राफ कहाँ यूज होता है, एक्स की जो जीरोस की बात करेंगे वो पॉलीनोमियल में करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर रूट्स और जीरोस में डिफरेंस क्या है। रूट्स बच्चे बता दूं आपको, इक्वेशन में निकालते हैं जहां इक्वल का साइन होगा, पॉलीनोमियल में इक्वल का साइन हो जाएगा वहां इक्वेशन बन जाएगा, अदरवाइज पॉलीनोमियल होगा। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, ग्राफ के तरीके से देखते हैं कि कहाँ जीरोस कितने होंगे, देखते हैं एक बार। ओके, ये आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, इधर प्लस का होगा। हम ये जानते हैं कि ग्राफ में जितनी बार एक्स एक्सिस को काटा गया है, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, उतने ही जीरोज होंगे। फिर से समझें कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा गया है उतने ही जीरोज होंगे, किसके पॉलीनोमियल के, और जितने जीरोज होंगे वो वैसा ही पॉलीनोमियल होगा। पॉलीनोमियल की बात करें तो उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट। तो अभी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ को लेकर के। तो इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टू कट हैं तो इसके टू जीरोज होंगे, और टू जीरोज होंगे तो उसके हिसाब से पॉलीनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देख पा रहे हैं ये टू डिफरेंट एग्जाम्पल लिए मैंने, सिर्फ मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक्सिस पे काट रहा है कि नहीं काट रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कि एक्सिस पे काट रहा है, क्योंकि इट इज़ अ वाई एक्सिस। मैं लिख देता हूँ, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर? देख पा रहे हैं ना, चलिए कुछ काई जैसा बन गया, लेकिन फिलहाल आपको एक्स एक्सिस समझ रहे हैं, राइट। देख पा रहे हैं? अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ये किसी को नहीं काट रहा, तो यहाँ पे जो जीरोस की संख्या होगी वो जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जब कोई एक्सिस को काट ही नहीं रहा तो जीरोस कहाँ से मिलेंगे हमें, समझ पा रहे ना। इस ग्राफ की बात करता हूँ तो एक कट लगा हुआ है, इसका मतलब एक जीरो होगा, और एक जीरो के हिसाब से हमारा पॉलीनोमियल होगा। इधर की बात करता हूँ तो यहाँ पे वन टू थ्री, यहाँ थ्री जीरोज होंगे, ध्यान दो चेक करो, वन एंड टू एंड थ्री, थ्री टाइम्स एक्स एक्सिस को कटा हुआ है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू थ्री आएंगी, और एक्स की वैल्यू थ्री आएंगी तो थ्री जीरोज होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल की बात कर रहे थे,
राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात करेंगे। वैसे तो हम पहले कर चुके हैं और 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की बात है, बट नाउ बात आ पड़ी है टाइप्स की, तो करनी पड़ेगी, है ना। तो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि मेन वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हमने वेरिएबल पॉलिनोमियल बनाया है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 होनी चाहिए और क्यूबिक में पावर 3 होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी बताया, इसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जनरल जो हमारा जनरल इक्वेशन है, जनरल जो पॉलिनोमियल है उसकी इक्वेशन की बात करें, उस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख पा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर मैं ये बात करता हूँ कि अगर इनके जो जीरोज़ की बात करता हूँ, रूट्स लिखा है यहाँ पर, जीरोज़ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीरोज़ यहाँ लिख दिया है। तो जीरोज़ क्या होते हैं कि अगर इनके सम की बात करता हूँ, सम ऑफ जीरोज़, टू अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ लिए मैंने, उनका सम बात कर, सम की बात करता हूँ कि सम करना है, जोड़ना है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स। ये आया कहाँ से, जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे थे, तो बी एक्स एक्स बी एक्स का कोफिशियंट बी हो गया, ये वाला बी, है ना, माइनस तो ऑलरेडी था। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे था ए एक्स स्क्वायर, है ना, तो माइनस बी बाई ए लिखो या फिर ये लिखो। अगर आपको सम निकालना पड़ेगा रूट्स का, जीरोस का, तो बच्चे आपको इस फॉर्मूला से गुजरना पड़ेगा, क्लियर। अगर प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट भी ईजी है, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाले सी की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं था, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि ए, तो सी बाई ए से गुजरना पड़ेगा कब, जब प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोज का आप लोग, क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तब ये ऐसे बनेगा कि सम ऑफ जीरोज अगर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो इस फॉर्मूले में ऐड कर देना है और बन जाएगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, मैंने नीचे लिखा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा सम ऑफ जीरोज है एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा है, आप कुछ और भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपने जीरोस को पुट किया है, कांस्टेंट नहीं है वो, वेरिएबल है, वेरिएबल को कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। 2.1 तो नहीं करेंगे क्योंकि 2.1 हमारा इंट्रो में लगभग हो चुका है, उसमें यही बताना है कि जितनी बार एक्स एक्सिस कटा है उसकी उतने ही जीरोज होंगे, और जितने जीरोज होंगे उसके हिसाब से पॉलिनोमियल वो होगा। आई होप आपकी बात ये समझ में आई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा ना, वो कोशिश करें समझने की, क्योंकि किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो क्यों ना मेहनत की जाए, क्यों ना ट्राई किया जाए, बार बार ट्राई करोगे तो ज़रूर आ जाएगा समझ, है ना, इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट चीज़ होता तो मैथ्स के टीचर ही ना मिलते। चलिए बहुत ईजी चीज़ है, वेरी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन सॉल्यूशन। तो पहले आप समझ लें, क्वेश्चन को पढ़ लें 2-3 बार और इसको देख लें क्या पूछा है, क्या निकालना है। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जीरोस निकालने को बोला है और रिलेशन बता देना है आपको कि कोफिशिएंट जीरोस में ये रिलेशन है, इस तरीके से इक्वल आता है, कैसे निकालते हैं। चलो 8th क्लास में और 9th क्लास में हमने फैक्टर करना सीखे थे, उसी की हेल्प लेंगे, और जो हमने अभी सीखा, हमने सम ऑफ प्रोडक्ट सीखा, उसकी हेल्प लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, फर्स्ट देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप देख पा रहे हैं, ओके। तब मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी मैंने कंपेयर की किसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद मुझे मिला ए और बी और सी की वैल्यू, बट ऐसे कैसे मिल गया सर,
क्वेश्चन तो यहाँ पर ये मैं बताता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के बराबर रखूँगा तो बच्चे ए इक्वल टू वन आएगा, ध्यान दो चेक करो। अगर बी एक्स को माइनस टू एक्स के बराबर रखूँगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा और वी की वैल्यू माइनस का टू आएगी। आई होप समझ पा रहे हैं आप। चलिए, और सी को माइनस एट के बराबर रखूँगा तो एट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई। बात क्लियर है ना। अब क्या करता हूँ, मैंने इसको लिया और इसको लेने के बाद ना फैक्टर करना स्टार्ट किया। फैक्टर करने के बाद एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू आ गए, एट क्लास में हमने सीखा है इसको, देख लेंगे। अब मैंने क्या किया, इन एक ये जो हमें मिली हैं वैल्यूज मिली हैं, इक्वेटिंग की बात कर रहे हैं हम, कहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो जीरोज हैं हमारी उसको जीरो के बराबर रखेंगे। वही मैंने किया कि पुट किया जीरो के बराबर, है ना। चलो, तो एक्स क्योंकि कोई फैक्टर होता है ना वो जीरो के बराबर हम उसको रखते हैं, ठीक है। हमने एट क्लास में नाइन्थ क्लास में सीखा है। तो देखो, एक तो एक्स माइनस फोर और दूसरा हमारा एक्स प्लस टू, दोनों को जीरो के बराबर रखा और वैल्यू निकल गई एक्स इक्वल टू फोर, क्योंकि इधर माइनस था प्लस हो गया और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, दो जीरो, टू जीरोज मिल गए, है ना। इन टू जीरोज की हेल्प से हम चेक करेंगे, क्योंकि कोफिशियंट के तरीके से और जो हमने निकाले उसके तरीके से। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को जो मैंने निकाले थे ऐड किया तो आया मेरा टू। लेकिन चेक तो कोफिशियंट के तरीके से भी करना है ना, तो क्या था, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस के बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन पहले हमने चेक किया है तो माइनस और माइनस टू था हमारा बी, ए हमारा वन था तो आ गया टू, दोनों इक्वल है ना, यही चेक करना था। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये हैं या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, हाँ मैं तो देख पा रहा हूँ लेकिन आप भी देख पा रहे होंगे कि 4 माइनस 2 ये हैं क्या भाई, ये जीरोज हैं जो हमने यहाँ से निकाले, तो माइनस 8 आया। लेकिन अगर कोफिशियंट की बात करता हूँ तो कॉन्स्टेंट बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब है माइनस 8 बाई 1 इक्वल टू माइनस 8, दोनों इक्वल हैं, चेक करो, यही निकालना था हमको। क्वेश्चन नंबर वन आपका कंप्लीट होता है और ऐसे ही निकालना आपको, जीरोस और फैक्टर करके जो निकाले थे हमने उनको इक्वल दिखाना है कोफिशिएंट के हिसाब से। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, तो वही हमने किया है। क्वेश्चन नंबर टू पर पहुँचते हैं, वैसे तो ईजी हैं सारे क्वेश्चन, कर सकते हो। पहले पार्ट के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर टू छोड़ के थर्ड पार्ट लिया है कि सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैंने इधर ले लिया क्योंकि मुझे मोस्टली ऐसे इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमारा जनरल इक्वेशन था उसकी फॉर्म में लिख लिया। कंपेयर किया ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद मैंने फैक्टर किया तो टू एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स प्लस वन आया। एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू और एक्स की वैल्यू माइनस का वन बाई टू आया। मुझे क्या करना है, वही कंपेयर करना है, रिलेशन निकालना है, निकाल देते हैं ना। सम ऑफ जीरोज़ क्या किया हमने, वही किया कि इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद सेवन बाई सिक्स आया। बट मैंने कोफिशियंट वाला भी है ना, कांस्टेंट वाला भी यूज़ किया, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए होता है, वैल्यू रखी तो सेवन बाई सिक्स आया। प्रोडक्ट भी सेम किया तो माइनस का वन बाई टू आ गया, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर फोर भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फोर में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे। इससे पहले मैं ही बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर है। अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, इसमें से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जीरो लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और कॉमन लेने के बाद मैंने इस तरीके से किया, जब टू को ट्रांसफ़र करूँगा तो माइनस का टू आएगा, और जब यू की वैल्यू निकालूंगा, यू कोई एक वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, तो बच्चे बताऊँगा रूट में माइनस आ रहा है माइनस टू, ये तो कोई रियल वैल्यू तो होती नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो इमेजिनरी आपने पढ़ा नहीं है, जब यहाँ पे टू वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये रियल नंबर नहीं है, और रियल नंबर नहीं है तो हमारे कैसे जीरोज निकलेंगे, पॉइंट मिल गए, इसको छोड़ देंगे। इसके जीरो टू जीरोज हो ही नहीं सकते, वो भी रियल में, क्योंकि रियल नंबर की बात करें, इमेजिनरी तो पढ़ा ही नहीं है हमने ना। अगर बात करेंगे तो इस तरीके से निकलेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्या चीज़ है हमें पता ही नहीं है। चलिए, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर टू पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सेम है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही करना है इसमें, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है तो कर देंगे, वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था पहले क्या करना था इसमें, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि अगर सम एंड प्रोडक्ट गिविन है तो फॉर्मूले में लगाना था। फॉर्मूले में नहीं लगाना चाहते तो आप ए बी सी की वैल्यू निकाल दो और वैल्यू रख दो जनरल,
जनरल पॉलिनोमियल में क्या जनरल इक्वेशन था, एक जनरल फॉर्मेट था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, तो उसमें रख देंगे। तो मैंने क्या किया कि जी सम ऑफ जीरोज निकाला इसका ना, सम ऑफ जीरोज है 1/4 राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, मैंने 1 नीचे लिख दिया क्योंकि मुझे ए यहाँ पर मिल रहा है और प्रोडक्ट में सी बाई ए होता है तो दोनों ए मिला, तो नीचे मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया 4/4, तो मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू 4 आ गई राइट, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई राइट। देखो ये -1 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, -1 समझे इसको, और सी की वैल्यू आ गई वो हमारी इधर से आ जाएगी, सी की वैल्यू -4, ए बी सी की वैल्यू आ गई राइट। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्मेट बताया था मैंने आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात हो रही थी, यहाँ पे बात करते हैं तो रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। चलिए देख पा रहे हैं आप, ये देखिए अभी जस्ट यहाँ पे वाई लिखा था मैंने एक्स के है, तो कहने का मतलब ये कि इक्वेशन नहीं पॉलीनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू लगा दी मैंने ए बी सी की, हमारा पॉलीनोमियल मिल गया ठीक। और इस तरीके से भी ना मिले आपको तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था कि एक्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैंने वही किया, मेरे को गिविन था मैंने लिया और इसको एक जनरल फॉर्म में लाना था तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मुझे 4x² - x, तो 4x² - x - 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल गया। पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं, पार्ट थर्ड भी इजी है, 0 and √5 सम ऑफ जीरोस मैंने निकाल दिया, 0/1 प्रोडक्ट सी बाई ए मीन्स √5/1 1/1 आ गया, ए बी सी की वैल्यू निकली, मैंने एक जनरल फॉर्मूले में लिखा तो एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस √5 यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने ओके। तो ये हमारा एक क्वेश्चन मिल गया, अगर मैं सिंपल तरीके से बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो क्या है, सम ऑफ द जीरोस है ना, और ये क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर, आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और समझने के बाद नोट करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके उतना, बचे हुए क्वेश्चंस जितने भी दे रखे हैं ना वो सारे निकाल लें, आपको वीडियो को पॉज करके वो सारे क्वेश्चन नोट कर लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए 10th है, बेहतर प्रयास करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थे, दोनों ही खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और तब तक के लिए आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब आप ज़रूर मैथ्स को देखेंगे, अदर सब्जेक्ट भी हैं। चलिए चलते हैं ना, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।